नमस्कार दोस्तों, ई स्किल्स एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। मैं नीरज शुक्ला आज आपके लिए प्रमुख सम्मेलन एवं समारोह जो कि 2019 में संपन्न हुए हैं इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आया हूँ। ये हमारे वीडियो का प्रथम पार्ट है, दूसरा पार्ट जल्दी ही अपलोड किया जाएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को कृपया करके पूरा देखें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और उत्तर कोरिया के प्रमुख नेता के मध्य दूसरी मुलाकात हुई है 2019 में। तो अभी हाल में ही 27-28 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किंग जोंग उनके बीच में वियतनाम के हनोई में 27-28 फरवरी 2019 को मुलाकात हुई। इससे पहले इन लोगों की मुलाकात जो है वो जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी। तो याद रखिएगा, ये पहली मीटिंग जून 2018 में सिंगापुर में हुई थी इन दोनों के बीच में। अब ये दूसरी मीटिंग है जो कि वियतनाम के हनोई में हो रही है, और ये अमेरिका के राष्ट्रपति और उत्तर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के नेता किंग जोंग उनके बीच में हो रही है। उत्तर कोरिया के विषय में जानकारी ले लीजिए, उत्तर कोरिया की राजधानी जो है प्योंगयांग है। इसके प्रमुख नेता हैं किंग जोंग उन हैं। इसकी मुद्रा कोरियाई वॉन है। वियतनाम के विषय में जानकारी ले लीजिए, वियतनाम की राजधानी हनोई है। इसके राष्ट्रपति हैं गुएन फू त्रोंग और इसकी मुद्रा है वियतनामी डोंग। भारतीय इतिहास कांग्रेस का 79th सत्र जो है अभी हाल में ही समाप्त हुआ है। तो अभी 26 से 28 फरवरी 2019 के बीच में भारतीय इतिहास कांग्रेस, जिसको हम इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस कहते हैं, इसका 79th सत्र जो है अभी हाल में ही भोपाल मध्य प्रदेश में पूरा हुआ। इस आयोजन की मेजबानी जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में करी गई और इसका आयोजन मध्य प्रदेश सरकार ने किया। इसका आयोजन भोपाल में दूसरी बार हुआ है, इसके पहले भोपाल में एक बार और इसका आयोजन हो चुका है। भारतीय इतिहास कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1935 में करी गई थी, तो इसको याद रखिएगा। और भारतीय इतिहास कांग्रेस का 79th सेशन था ये, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में संपन्न हुआ है। 33वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला 2019 अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। 1 फरवरी से 17 फरवरी 2019 के बीच में 33वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड में आयोजित किया गया। याद रखिएगा, इसका आयोजन जो है हरियाणा के फरीदाबाद जिले में सूरज कुंड में आयोजित किया गया, इसका आयोजन किया गया। और इसका उद्घाटन जो है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने संयुक्त रूप से किया। और इस मेले का जो है थीम राज्य है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत हुई थी 33वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला। इस मेले का थीम राज्य जो है महाराष्ट्र है, और इसको थाईलैंड के सहयोग से शुरू किया गया था। तो थाईलैंड इसके लिए साझा देश है, इसको भी याद रखिएगा। इसके अलावा न्यूनतम 20 देशों ने और भारत के सभी राज्यों ने इस मेले में भागीदारी ली थी। 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन अभी हाल में ही संपन्न हुआ है। 5वां अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन 13-14 फरवरी 2019 को इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन उड़ीसा के भुवनेश्वर में किया गया और इसके आयोजन में सेंट्रल वाटर कमीशन, विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक और उड़ीसा सरकार, इन तीनों ने मिलकर के संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया। और इसका आयोजन जो किया गया है वो बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना के अंतर्गत किया गया है। तो 5वें अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन, जिसको हम 5th इंटरनेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस कह रहे हैं, इसका आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में किया गया है। और इसमें सीडब्ल्यूसी यानी सेंट्रल वाटर कमीशन, वर्ल्ड बैंक और उड़ीसा सरकार ने संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया है। तीसरा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम 2019 का आयोजन अभी हाल में ही हुआ है। तो तीसरे भारत जर्मन पर्यावरण फोरम 2019, जिसको हम थर्ड इंडो जर्मन एनवायरमेंट फोरम भी कह रहे हैं, 2019 का आयोजन अभी 13 फरवरी 2019 को नई दिल्ली में किया गया।
13 फरवरी 2019 को इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इस एक दिवसीय सम्मेलन का मुख्य थीम था स्वच्छ वायु हरित अर्थव्यवस्था। तो इसका थीम याद रखिएगा, इसका थीम था स्वच्छ वायु हरित अर्थव्यवस्था, जिसको हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लीनर एयर एंड ग्रीनर इकोनॉमी। इसको याद रखिएगा, इसका थीम क्लीनर एयर ग्रीनर इकोनॉमी या स्वच्छ वायु हरित अर्थव्यवस्था इसका थीम था। तीसरा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम जो है नई दिल्ली में 13 फरवरी को संपन्न हुआ और अभी पर्यावरण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन है और इसका पर्यावरण मंत्रालय का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। जर्मनी के विषय में जानकारी ले लीजिए, जर्मनी की राजधानी जो है बर्लिन है और इसकी मुद्रा यूरो है। इसके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीमनर, ये इसके राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टर स्टीमनर। तो तीसरा भारत जर्मन पर्यावरण फोरम 2019 का आयोजन 13 फरवरी को नई दिल्ली में हुआ और इसका थीम था क्लीनर एयर ग्रीनर इकोनॉमी, इसको हिंदी में बोलेंगे स्वच्छ वायु हरित अर्थव्यवस्था। विश्व सतत विकास सम्मेलन 2019, जिसको हम वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट बोल रहे हैं, WSDS बोल रहे हैं, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट WSDS 2019 बोल रहे हैं। इसका आयोजन अभी हाल में ही 11 फरवरी से 13 फरवरी 2019 के बीच में 3 दिन के लिए दिल्ली के विज्ञान भवन में इसका आयोजन किया गया और इस सम्मेलन का उद्घाटन जो है वो उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने किया है और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम का थीम है अटेंडिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग आवर प्रॉमिस। ये इसका थीम है अटेंडिंग द 2030 एजेंडा एंड डिलीवरिंग आवर ऑन आवर प्रॉमिस, ये इसका थीम है। और WSDS जो है इस कार्यक्रम का आयोजन टेरी करता है। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म है टेरी और हर वर्ष इसका आयोजन करता है। WSDS का आयोजन टेरी करता है जिसमें कि टिकाऊ विकास ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े वैश्विक नेताओं और विचारकों को एक साथ लाने का प्रयास किया जाता है टेरी के द्वारा। इस अवसर पर टेरी ने फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक वेनी मार्मा को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया। तो टेरी ने फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक वेनी मार्मा को सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया, इसको भी याद रखिएगा। और सतत विकास सम्मेलन 2019 का उद्घाटन 11 से 13 फरवरी को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने दिल्ली के विज्ञान भवन में किया था और इसका थीम था अटेंडिंग द 2030 एजेंडा डिलीवरिंग ऑन आवर प्रॉमिस, ये इसका थीम था। और टेरी इसका आयोजन कराता है। टेरी का फुल फॉर्म है द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, WSDS का आयोजन कराता है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2019 का आयोजन टेरी कराता है और इस वर्ष टेरी ने फिजी के प्रधानमंत्री फ्रैंक बेनी मार्मा को सम्मानित किया है सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2019 से। पेट्रोटेक 2019, पेट्रोटेक 2019 का आयोजन अभी हाल में ही 10 से 12 फरवरी 2019 को 13वें अंतरराष्ट्रीय तेल एवं गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, जिसको हम 13 इंटरनेशनल ऑयल गैस कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन के नाम से जानते हैं, इसको पेट्रोटेक 2019 के शीर्षक के नाम से अभी हाल में ही ग्रेटर नोएडा में इसका आयोजन किया गया। इसका आयोजन पेट्रोलियम एवं गैस मंत्रालय द्वारा किया गया है। इसमें पेट्रोलियम और गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं और पेट्रोटेक 2019 का थीम है शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू द इनोवेशन एंड कोलेबोरेशन, इसका थीम याद रखिएगा शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलेबोरेशन। और पेट्रोटेक 2019 का उद्घाटन जो है 10 से 12 फरवरी 2019 के बीच में इसका आयोजन किया गया। ये 13वां संस्करण है अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का 13वां संस्करण है जिसका पेट्रोटेक 2019 के नाम शीर्षक से आयोजन किया गया ग्रेटर नोएडा में और इसका आयोजन पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया। और पेट्रोलियम मंत्री इसमें कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है। और पेट्रोटेक 2019 का थीम क्या है, शेपिंग द न्यू एनर्जी वर्ल्ड थ्रू इनोवेशन एंड कोलोबोरेशन, ये इसका थीम है। वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2019, तो अभी हाल में ही 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य में वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन
दुबई के, दुबई में किया गया। दुबई जो है संयुक्त अरब अमीरात में है, यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है दुबई, जहां पर वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन हुआ। ये इसका सातवां संस्करण था, इस आयोजन का ये सातवां, सेवेंथ एडिशन था, सातवां संस्करण था। संयुक्त अरब अमीरात के विषय में जानकारी ले लीजिए, इसकी राजधानी अबू धाबी है, इसकी मुद्रा दिरहम है और राष्ट्रपति है खलीफा बिन जायद अल नहयान। खलीफा बिन जायद अल नहयान इसके राष्ट्रपति हैं और इसके प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, ये इसके प्रधानमंत्री हैं। तो वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन जो है दुबई में हुआ, दुबई यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात, या इसको संयुक्त अरब अमीरात भी बोलते हैं हिंदी में, और वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन का ये सातवां संस्करण था। द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन 2019, तो अभी हाल में ही 3 से 7 फरवरी 2019 को द्वितीय आसियान भारत युवा संघ शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन असम गुवाहाटी में किया गया, यानी गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया है और इसका थीम है कनेक्टिविटी पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये इसका थीम है कनेक्टिविटी पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। ये द्वितीय आसियान युवा भारत शिखर सम्मेलन 2019 का थीम है और इसका आयोजन जो है असम सरकार, विदेश मंत्रालय और इंडिया फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से किया। इसके पहले प्रथम युवा शिखर सम्मेलन 2017 में इसका आयोजन भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था, यानी इसके पहले संस्करण का आयोजन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में 2017 में किया गया था और ये इसका दूसरा संस्करण है जिसका आयोजन गुवाहाटी में किया गया, गुवाहाटी असम में है और इसका थीम है कनेक्टिविटी पाथवे टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी। प्रथम लौ एशिया मानव अधिकार सम्मेलन 2019, तो अभी हाल में ही 9 से 10 फरवरी 2019 के बीच में प्रथम लौ एशिया मानव अधिकार सम्मेलन 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका थीम था स्टेट पावर, बिजनेस एंड ह्यूमन राइट्स कंटेम्पररी चैलेंजेस। इसका नाम याद रखिएगा, इसको हिंदी में कहेंगे राज्य की शक्ति, व्यवसाय और मानव अधिकार समकालीन चुनौतियां। ये प्रथम लौ एशिया मानव अधिकार सम्मेलन 2019 का थीम था और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, 9 से 10 फरवरी 2019 के बीच में इसका आयोजन किया गया। एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन 2019, तो अभी हाल में ही 5 से 6 फरवरी 2019 के बीच में एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया और इसका विषय इस वर्ष का था एलपीजी जीवन के लिए ऊर्जा, एलपीजी एनर्जी फॉर लाइफ, ये इसका थीम था और इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और पेट्रोलियम एवं गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मौके पर मौजूद थे। झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019, तो अभी हाल में ही 1 फरवरी से 3 फरवरी 2019 के बीच में झारखंड अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 का आयोजन झारखंड के रांची में किया गया। इसका आयोजन एक गैर सरकारी संस्था जिसका नाम है नव भारत निर्माण संघ, नव भारत निर्माण संघ ने इसका आयोजन किया है। इस मौके पर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता भी प्रदान करी है और इस समय केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो हैं वो हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर, इनका नाम याद रखिएगा। झारखंड में बनी फिल्म लोहर दगा से इस फिल्म महोत्सव की शुरुआत हुई है, लोहर दगा फिल्म से इस महोत्सव की शुरुआत हुई है। इस मौके पर डॉक्टर रामदयाल मुंडा को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्राप्त हुआ और युगल किशोर मिश्रा को फिल्म मेकिंग इन झारखंड पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अलावा कुछ अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए जो इस प्रकार हैं, इनको देख लीजिएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 27-28 फरवरी 2019 को के मध्य अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एवं उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग उन के बीच में दूसरी बैठक कहाँ प्रस्तावित है? तो ये वियतनाम में है, बिना वियतनाम के हनोई में होगी, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 2, 26 से 28 फरवरी 2019 के मध्य भारतीय इतिहास कांग्रेस के 79th सत्र का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारतीय इतिहास कांग्रेस के 79th सत्र का आयोजन जो है वो भोपाल मध्य प्रदेश में किया जाएगा, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3, 1 से 17 फरवरी 2019 के मध्य आयोजित किए जा रहे
33वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले में पार्टनर कंट्री कौन सी है, मतलब साझेदार देश कौन सा है, तो ये थाईलैंड है, ऑप्शन ए सही है। और इसका थीम राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, इसका भी नाम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, 13-14 फरवरी 2019 के मध्य 5वें अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 13 से 14 फरवरी 2019 के मध्य में 5वें अंतर्राष्ट्रीय बांध सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन भुवनेश्वर में किया गया, उड़ीसा में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, 13 फरवरी 2019 को तीसरे भारत जर्मन पर्यावरण फोरम का आयोजन कहाँ किया गया, तो 13 फरवरी 2019 को तीसरे भारत जर्मन पर्यावरण फोरम का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 6, 11 से 13 फरवरी 2019 के मध्य विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 11 से 13 फरवरी विश्व सतत विकास सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 7, 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य में 13वें अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन एवं प्रदर्शनी, जिसको पेट्रोटेक 2019 कहा गया, इसका आयोजन कहाँ किया गया, तो पेट्रोटेक 2019 का आयोजन ग्रेटर नोएडा में किया गया, ऑप्शन ए सही है। और तेल और गैस मंत्री कौन है इस समय, धर्मेंद्र प्रधान है, याद रखिएगा नाम। क्वेश्चन नंबर 8, 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 10 से 12 फरवरी 2019 के मध्य वर्ल्ड गवर्नमेंट शिखर सम्मेलन का आयोजन दुबई में किया गया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, 3 से 7 फरवरी 2019 के मध्य द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो 3 से 7 फरवरी 2019 के मध्य द्वितीय आसियान भारत युवा शिखर सम्मेलन का आयोजन गुवाहाटी में किया गया, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 से 10 फरवरी 2019 के मध्य प्रथम लॉयसिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो अभी हाल में ही 9 से 10 फरवरी 2019 के बीच में प्रथम लॉयसिया मानव अधिकार सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 11, 5 से 6 फरवरी 2019 के मध्य में एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो अभी 5 से 6 फरवरी 2019 के मध्य में एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन जो है नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में झारखंड गौरव सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो झारखंड गौरव सम्मान जो है राम कुमार गुप्ता को प्रदान किया गया है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन